रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। वो यूं गया कि बागे सबा याद आ गई, एहसास तक हमको दिलाकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट कर आएगा, यूं लग रहा है जैसे अभी लौट कर आएगा, वो यूं चिराग बुझा कर तो नहीं गया। ये खबर हम आप तक निहायत ही अफसोस और दुख के साथ पहुंचा रहे हैं कि और एक नौजवान रूफ हुसैन मलिक, जो रहने वाला सुहपुरा सेंट्रल कश्मीर का था, इस दुनिया ही फानी को कल अलविदा करके। और हमारे पास रिपोर्ट्स जो पहुंचे हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रूफ अचानक कार्डिक अरेस्ट का शिकार हुआ, या जिसे हम आम जबान में हार्ट अटैक कहते हैं। और आजकल के वक्त में अगर देखा जाए, ज्यादातर नौजवानों के जनाजे हमें देखने को मिलते हैं, अचानक मौत होना। सुबह कोई नौजवान अपने घर से निकलता तो शाम को उसकी लाश घर पहुंच जाती है। और इस नौजवान की अगर बात करें रिपोर्ट्स के माने तो इस नौजवान को अचानक से कुछ महसूस होता है, घुटन होती है, और उसके बाद अगरचे इसे अस्पताल पहुंचाने की भी कोशिश की गई, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नौजवान अपने इस दुनिया ही फानी को अलविदा कर गया। अल्लाह ताला इस रूफ को जन्नत नसीब करे, माँ बाप को सब्र जमील अता करे, इस आजमाइश की घड़ी में रब उन्हें तौफीक अता करे कि वो इस सदमे को सह पाए। क्योंकि एक माँ बाप ने अपने औलाद को पाला होता है ताकि बुढ़ापे में उनका सहारा बन जाए, लेकिन आज हम अजीब और गरीब रिवाज देखते हैं। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अर्ज किया गया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की या इस दुनिया के आखिरी वक्त की कोई निशानियां बता दे, तो उन्होंने फरमाया था कि आखिरी दौर के अंदर सबसे बड़ी निशानी अगर वो कोई होगी तो वो ऐसा होगा कि नौजवानों के जनाजे उठा करेंगे, अचानक मौत हुआ करेगी। खैर, जिस तरीके से ये नौजवान रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्डिक अरेस्ट हार्ट अटैक का शिकार हुआ और इस दुनिया की फानी को अलविदा कर गया, एक न एक दिन हर एक को इस दुनिया को छोड़कर जाना है, क्योंकि ईमान हमारा इसी पे है कि एक दिन इस दुनिया की फानी को अलविदा करना है। खैर, हम आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि दुआई मगफिरत जरूर करिएगा इस रूफ के लिए और इसके माँ बाप के लिए, कि अल्लाह उन्हें इस आजमाइश को सहने की तौफीक अता करे। और आप वहां के लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि इस आजमाइश की घड़ी में, इस तूफान में, इस रूफ के फैमिली के साथ में जरूर खड़े रहें।